सो हाय फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूँ कि छोटा बैंजो कैसे असेंबल करें, वो भी घर पर। तो सबसे पहले हमें सवर पट्टी लेनी है और बैंजो के बराबर बीचों बीच रखनी है। उसके बाद दोस्तों सवर पट्टी के आगे वाले साइड में होल कर हमें स्क्रू से फिट कर देना है। तो दोस्तों कुछ उसी प्रकार से हमें जिधर जिधर होल किया है वहाँ पे हमें स्क्रू से टाइट कर देना है। तो दोस्तों हमने बैंजो के बेस को, जैसे कि आप देख सकते हो, हमने स्वर पट्टी फिटिंग कर दी है। उसके बाद एक स्क्रू लेना है और बैंजो के स्वर पट्टी के बराबर बीचों से पीछे साइड में हमें ड्रिल करके स्क्रू से टाइट कर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि बैंजो के पीछे साइड में हमने स्क्रू फिटिंग कर दिया, जिससे कि हमारा मेन तार इसमें फंस सके। उसके बाद दोस्तों हमें बैंजो के मेन तार होल्डर लेना है, ये हमने घर पर बनाया है, और उसको स्वर पट्टी के पिछले साइड में स्क्रू की मदद से फिक्स कर देना है। तो दोस्तों मेन तार का होल्डर हमने लगा दिया है। उसके बाद हमें तार फिक्स करना है, इस पर तार टाइट करेंगे अभी हम। तो दोस्तों हमने तार अभी टाइट कर दी है। उसके बाद हमें कुछ एक्रेलिक का ब्रिज लेना है मेन तार के लिए, और उसको 5 इंच के दूरी पर चिपका देना है कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों हमने मेन तार के ब्रिज को फेविक्विक की मदद से चिपका दिया है। उसके बाद दोस्तों हमें प्लास्टिक का पेन लेके 2 टुकड़े काट दिए है, जिससे कि हमारा हाथ रखने वाला फिट हो सके। तो अभी हम इसको फिटिंग करेंगे कुछ इस प्रकार से। हमें फिटिंग करना है जिससे कि हाथ रख के बजाने को आसानी हो। तो दोस्तों हमने बैंजो का हैंड स्टैंड भी फिटिंग कर दिया है। उसके बाद दोस्तों हमें बैंजो के बटन लेके हमें बटन असेंबल करने हैं। कुछ इस प्रकार से हमें बटन को असेंबल करना है। तो दोस्तों हमने पूरी बटन पट्टी को असेंबल कर दिया है। उसके बाद दोस्तों हमें 2-2 सेंटीमीटर लंबाई वाले लकड़ी लेने हैं, आप देख सकते हो। जिससे कि ये कुछ इस प्रकार से हम बटन पट्टी को फिक्स कर सके।
तो उसके बाद दोस्तों हमें कुछ यहाँ पर और यहाँ पर ड्रिल मारना है। तो हमने अभी 5-5 mm का ड्रिल मार लिया है। उसके बाद हम बटन पट्टी को बेंचों पर फिट कर देंगे। तो दोस्तों हमने बेंचों की बटन पट्टी फिट कर दी है। बटन भी आप देख सकते हो कि एकदम अच्छे से बज रहे हैं। तो अभी हम इसको बजा कर देखेंगे।